बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब इस रेसिपी में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये हैं। आपको इसके लिए चाहिए 1 किलो दही, ये 5 चम्मच मैंने बेसन लिए हैं, 5 टेबलस्पून जो हम इसकी लस्सी तैयार करेंगे, और ये बाकी सारे मसाला जाते हैं, नमक मिर्च हल्दी, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये मैंने आलू लिए हैं पकौड़ों के लिए, 4 से 5 अदद। ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी बारीक काट लें। ये तड़के के लिए थोड़ा सा प्याज काटा है जो हम एंड पे लगाएंगे, और ये पकौड़ों में डालने के लिए प्याज मैंने काट लिया है। और ये आहार में हम तड़का देंगे, ये ज़ीरा है, मेथी दाना, और ये लाल मिर्च है मोटी वाली। अब हम इसकी लस्सी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये 1 किलो दही है, ये मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। ये अच्छी तरह से सारा साफ कर लें। अब इसके साथ ही जो मैंने आपको 5 चम्मच बेसन लिखवाए थे खाने वाले वो डाल दें। और इसके साथ ये सारे मसाला जात नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और ज़ीरा पीसा हुआ है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आप नमक मिर्च पसंद करती हैं। ये मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी। अब चम्मच से इसको हिला लें। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हम ब्लेंडर में चलाएंगे। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि तमाम नमक मिर्च बेसन दही इसमें मिक्स हो जाए। मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी। दो से तीन मिनट आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब ये हमारी लस्सी रेडी हो गई है, ये देख सकती हैं आप। अब इसको मैंने बर्तन रखा है चूल्हे पे, इसको आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लस्सी इसमें डालेंगी और थोड़ी आंच पहले हल्की कर देंगी। इधर मेरे साथ ही रहिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसको हिला के। इसके अंदर अब हम 1.5 लीटर पानी में ऐड करूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि इसने भी पकना है, और आधे घंटे के लिए मैं इसको पकाऊंगी। ये सारा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें, और इसको आपने मुसलसल हलाती जाना है, चम्मच रोकना नहीं है। बस 1 मिनट मैं मिलती हूँ आपसे। ये थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। अब थोड़ी आंच हम तेज़ करके चम्मच हलाती जाएंगे। जब इसको पहला बॉयल आएगा उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना पकने के लिए, तब तक आप मेरे साथ रहें। इसमें बॉयल आ गए, ये आप देख सकती हैं। अब इसकी आंच हम हल्की कर देंगे, ज़्यादा भी हल्की नहीं करनी, बस मीडियम आंच रखेंगे, और इसको आधे घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में। इस पर ढक्कन लगा दें और इसको आधे घंटे के लिए पकने दें। अब हम पकौड़ों के लिए इसका बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले ये देखें, मैंने आलू कद्दूकस किए हैं। इसके अंदर
हाँ मैम, ये सारी हरी मिर्चें जो हमने काटी थी, ये प्याज, ये सारे मसाले, ये नमक मिर्च, सूखा धनिया, इसको थोड़ा सा पीस लें, हल्दी, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं, जितना आप पसंद करती हैं, स्पाइसी पसंद करती हैं या थोड़े कम पसंद करती हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें, ये मैंने 5 से 6 चम्मच बेसन के लिए हैं, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के हाथ के साथ ही आपको मिक्स करके दिखाती हूँ पानी डाल के। ये पानी मैंने सादा पानी लिया हुआ है, हम थोड़ा थोड़ा डाल के पहले स्टार्टिंग में हाथ से मिक्स कर लेंगे, उससे बैटर ज़रा बहुत अच्छा तैयार होता है। मैं इसको फाइनल मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा पकौड़ों का बैटर तैयार है। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। ये चम्मच ले लें, ऑयल गरम हो चुका है, थोड़े थोड़े करके हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे और साथ साथ कढ़ी में डालते जाएंगे। ये जब स्पेस थोड़ी कम रह जाएगी फिर हम इसको छोड़ देंगे। लास्ट डालते हैं इसके अंदर और इसको अब आप हल्की आंच पे छोड़ दें। जब ये रेडी हो जाएंगे फिर हम इसको कढ़ी में डालेंगे। ये हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से ऑयल से निकाल के ये मैं आपके सामने ये कढ़ी में डाल दूँगी। ये देखें, इसमें डाल के इसको हल्का सा आप मिक्स कर लें। अब हम एक अदद प्याज लेंगे छोटी, इसको इस तरह काट के गरम ऑयल में डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। ये अब हम इसको कढ़ी को तड़का लगाने के लिए मैं इसका तैयार कर रही हूँ। इसको हल्का सा ब्राउन होने दें, फिर बाकी चीज़ें मैं इसमें आपको डाल के दिखाती हूँ कि तड़के में क्या क्या डलेगा। ये मेरा तड़का रेडी हो गया, अब मैं इसमें डाल दूँगी अब मैं आपको फाइनल डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब ये हमारी फाइनल कढ़ी की लुक तैयार है। अब एंड में हम इस पर थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से गार्निश के तौर पे डाल देंगे। गरम मसाला डाल दें, बहुत ही मज़े की कढ़ी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और नीचे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।